फूडीज, वेलकम टू माय चैनल फू ब्लॉग्स। कैसे आप सब? सो बहुत जल्द, सुपर सुपर डुपर जल्दी मैं अनदर रेसिपी लेकर आई हूँ, क्योंकि मैं अपने मम्मी के घर आ गई हूँ, क्योंकि इलेक्शन चल रहे तो इलेक्शन देना जरूरी है, वोट देना जरूरी है। सॉरी, आज मेरा मन कर रहा है फ्राइड राइस खाने को। एक ऐसे फ्राइड राइस का रेसिपी आपको बताने वाली हूँ जिसको खाकर आपको रेस्टोरेंट जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। रेस्टोरेंट में आपका जैसे कि आर्टिफिशियल कलरिंग, चिकन बिल्कुल लाल होता है, घर के और बाहर के खाने में तो थोड़ा तो डिफरेंस होगा ही, क्योंकि वो कमर्शियली बनाया जाता है, लेकिन घर में आप आराम से बना सकते हैं और स्टिल जो टेस्ट है वो रेस्टोरेंट वाला होगा। तो इसको अगर आप एक बार खा लेंगे तो आपको बाहर खाने का मन नहीं होगा। तो चलिए आज का रेसिपी हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन रेसिपी शुरू करने के पहले मैं आपको एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि मैं आपको सजेस्ट करूंगी गाइस कि एक प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए आपको, तभी उन लोग आपका स्किन प्रॉब्लम्स को फिगर आउट करेंगे और कौन सा प्रोडक्ट एग्जैक्टली आपके स्किन पे काम करेगा उसको उन लोग फिगर आउट करेंगे। बट एक प्रॉब्लम है, यू हैव टू गो आउट। वो सबसे पहले तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, उसके बाद लाइन लगाना पड़ेगा, फीस भरना पड़ेगा, दोबारा जाना पड़ेगा, दोबारा फीस भरना पड़ेगा, प्रोडक्ट्स लेने पड़ेंगे। ओह माय गॉड। तो इसलिए मैं ये सब का सोल्यूशन लेकर आई हूँ आपके पास, वो है क्योर स्किन, जो कि मैं यूज कर रही हूँ बहुत समय से। एंड आपको भी पता है रियल जेन्युइन डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं जो कि आपका स्किन कंसर्न के बारे में आपको पूछेंगे, आपके स्किन कंसर्न के अकॉर्डिंग ही वो लोग जितना प्रोडक्ट है आपको वो प्रोवाइड करेंगे, एक किट प्रोवाइड करेंगे जहाँ में मॉर्निंग इवनिंग अपर नाइट रूटीन जो भी है वो सब होगा ओनली 1499 में। एंड ये डॉक्टर कंसल्टेशन की फीस नहीं है, डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है गाइस। इसलिए तो मैंने आपके साथ शेयर किया, क्योंकि ये बहुत ही फायदेमंद होने वाला आपके लिए। इवन स्टूडेंट्स जिसके पास एनफ पैसे नहीं होते, क्योंकि पॉकेट मनी से चलना पड़ता है, घर में बैठी है जो लेडीज हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, ब्रदर्स हैं जो बाहर काम करने जाते हैं, सारा आप ऑफिस में बैठो, घर में बैठो, आप अपना क्योर स्किन ऐप खोलो, वहाँ पे डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ अपने सारे बातें, सारे स्किन प्रॉब्लम्स, आपके हेयर प्रॉब्लम्स सारे शेयर करो। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओनली प्रोडक्ट्स का चार्ज है। भी बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है गाइस। डाइट प्लान, दिन में कितना लीटर पानी पीना है, स्किन एनालिसिस फीचर है जो कि मैं स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, ये है मेरा सबसे पहला स्क्रीन एनालिसिस, स्किन एनालिसिस जो कि आप देख सकते हैं, लेटेस्ट वाला स्किन एनालिसिस फीचर। तो यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपका स्किन कहाँ कहाँ पहुंचा, कैसा कर रहा है। मेरा एक कूपन कोड भी है PU300, अगर आप इसको यूज करेंगे तो आपको 300 रुपीस एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा गाइस। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दिया है, बट इट्स वेरी अमेजिंग ऑफर, तो इसलिए लिमिटेड है, ओनली फॉर फर्स्ट 100 सब्सक्राइबर्स। तो जल्दी से लिंक पर क्लिक करिए एंड आज ही अपने स्किन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन पाइए। हे गाइस, तो मेरा सारा इंग्रेडिएंट्स रेडी है। सॉरी, मुझे थोड़ा सर्दी हुआ है इसलिए आवाज़ में डिफरेंस आ गया है। और ये मैंने चिकन हाफ बॉईल किया है सो दैट थोड़ा सा जूसी रहे। अब गर्म तेल हम लोग डालेंगे कढ़ाई में, उसके बाद यहाँ पे मैंने रिफाइन तेल यूज़ किया है, क्योंकि फ्राइड राइस के लिए रिफाइन तेल ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो तेल गर्म हो गया है, अब हम लोग सबसे पहले डालेंगे चिकन। चिकन को हम लोग गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे, उसके बाद हम लोग डालेंगे प्याज और फिर अच्छे से फ्राई करेंगे, क्योंकि हमें ऑयल में अनियन का और चिकन का फ्लेवर चाहिए। अब मैं डालने वाली हूँ नमक। नमक मैं पहले इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि बाद में ऐसा ना हो कि राइस में एक ही जगह नमक रह जाए, इसलिए पूरे ऑयल में मैंने नमक डाल दिया है। तो गाइज, हमारा चिकन और प्याज अच्छे से फ्राई हो गया है, अब हम लोग डालेंगे वेजीज। तो आप कितना सारा भी वेजीज डाल सकते हैं, जितना ज़्यादा होगा उतना ही हेल्दी होगा और टेस्टी होगा। बट मेरे पास जितना था मैंने डाल दिया, मेरे पास था बीन्स और गाजर। उना क्यों इतना भौंक रहा है? अब हम लोग डालेंगे राइस। तो फ्राइड राइस के लिए आप यूजुअली रात का बचा हुआ राइस यूज़ कर सकते हैं, और जो भी बचा हुआ राइस है ठंडा राइस वो यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छे से फ्राई होता है और वो टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा होता है। गरम राइस डालेंगे तो चिपचिपा हो जाता है और टेस्टी नहीं होगा गाइस।
अब हम लोग डालेंगे सोया सॉस, और अगर आपको स्पाइसी चाहिए तो रेड चिली पाउडर ऐड करिएगा। अगर स्पाइसी नहीं चाहिए तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। गाइस, आपको पता है कि एक अच्छे फ्राइड राइस का क्या सीक्रेट है? सीक्रेट यही है कि आपको उसको अच्छे से पकाना है, मतलब अच्छे से जलाना है, उसका सरफेस को क्रिस्प बनाना है, तभी आपका राइस बहुत टेस्टी होगा। तो अब मैं यहाँ पे डालने वाली हूँ लोकल एग्स जो मैं कल मार्केट से लाई थी। इसका योक बहुत ही कलरफुल है और ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस है। तो एग्स को मैंने सीधा राइस में नहीं डाला क्योंकि ऐसा होने से एग का स्मेल रह जाता है। तो एग को आपको अच्छे से फ्राई करना है। आप अलग से फ्राई करके भी डाल सकते हैं, बट एक्चुअली यहाँ पे टाइम भी सेव होता है और आपका ज़्यादा बर्तन भी गंदा नहीं होता। तो यहाँ पे मेरा जो एग है, मेरा नहीं, जो मुर्गी का एग है, उसका जो सरफेस है वो अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसको मैं उल्टा करूँगी, फिर से फ्राई करूँगी। तो अच्छे से फ्राई हो गया है हमारा एग्स और राइस। अब दोनों को मिक्स करना है, तो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं क्योंकि देखिए एग का कितना ब्राइट येलो कलर है, बिकॉज इट्स लोकल एंड हेल्दी। गाइस, हमारा फ्राई राइस ऑलमोस्ट रेडी है। लास्ट में हम लोग गार्निशिंग करेंगे धनिया से, उसके बाद और एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए मैं डालने वाली हूँ आधा चम्मच बटर। और हाँ, फ्राइड राइस बनाते ही आपको सीधा गर्मा गर्म खाना है क्योंकि ठंडा होने के बाद फ्राइड राइस का वो मज़ा नहीं आता गाइस। सो अभी परोसिए और अभी खाइए जैसे कि मैं परोस रही हूँ। तो ये रहा मेरा चिकन फ्राइड राइस, ये रेडी है और आप इसको गर्मा गर्म खा सकते हैं चिकन सूप के साथ, वेजिटेबल सूप के साथ, या कोई स्पाइसी चटनी के साथ। बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है गाइस। इसमें कुछ कलर ऐड नहीं है, कुछ अजीनोमोटो एडेड नहीं है और बहुत हेल्दी है खाने के लिए। घर में बनाया हुआ साफ टेस्टी फ्राइड राइस आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं कहती हूँ ना, इसको अगर आप एक बार खाएंगे ना तो रेस्टोरेंट का फ्राइड राइस भूल जाएंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ्राइड राइस रेसिपी का वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा एंड आप कमेंट कीजिए, ट्राई कीजिए और मुझे अपना इंस्टाग्राम स्टोरी में आप शेयर कर सकते हैं, टैग कर सकते हैं। जितना लिंक्स है मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया है गाइस। एंड आई सी यू सून। तब तक के लिए बाय बाय। अभी का मौसम बहुत अच्छा है, अभी फ्राइड राइस बनाया है। ठीक है गाइस, बाय।